दोस्तों यहाँ हमारे भैया आए हुए हैं आज हमें लखनऊ आउटलेट। ऑलरेडी जो है सप्लीमेंट सोला की टी शर्ट पहने हुए हैं, इसका मतलब जुड़ चुके हैं सप्लीमेंट सोला से। भैया जुड़े हुए हो आप? जी जी बहुत पहले। कितना टाइम हो गया जी? साल से ऊपर हो गए। हमने ऑनलाइन भी मंगवाया था एक बार पावर प्रो। देख लो भैया ने ऑनलाइन भी मंगवाया था पावर प्रो जब सप्लीमेंट सोला का आउटलेट लखनऊ में नहीं था, और उसके बाद जो है ऑफलाइन अब लखनऊ आउटलेट से ले जाते हैं। तो लखनऊ आसपास अगर आप रहते हैं तो आपको ऑनलाइन मंगाने की जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट सोला लखनऊ आउटलेट से ले जाओ आप। जरा पूछते हैं क्या सप्लीमेंट यूज कर चुके हैं? पावर प्रो यूज किया था। पावर प्रो और जी उसके बाद एटम जी। और पावर प्रो कितने यूज कर चुके हो? पावर प्रो 3 यूज कर चुका हूँ। 3 पावर प्रो यूज कर चुके हैं भैया, रिजल्ट तो बताओ यार। 3 पावर प्रो के डिब्बे खा गए आप, क्या रिजल्ट है? रिजल्ट तो सही है पहले से, मतलब जो हमारी पहले से बॉडी थी उससे अच्छी है, उससे इम्प्रूव हुई है। जी जी। अच्छा मसल साइज गेन हुआ है? जी जी। ऑलमोस्ट कितना गेन हुआ होगा? अब कभी वो नहीं किए लेकिन हमको लगता है कि वर्कआउट करते हैं तब ज्यादा लगता है। उसके बाद तो पंपिंग हो गई। जब आपने पावर प्रो प्रोटीन लेने से पहले आपका मसल साइज था जो आज मसल साइज है, मतलब उसमें 2.5 इंच का है फर्क? नहीं है, नहीं उतना नहीं, लेकिन 1.5 इंच का है। अच्छा, 1.5 इंच का है फर्क। तो इसका मतलब यार फिर 1.5 इंच, यार मैं तो चिल्लाता रहता हूँ कि 1 इंच तो एक डिब्बे में बढ़ जाएगा, आपने 3 खाए फिर भी 1 इंच बढ़ा। भाई मतलब डाइट का क्या शेड्यूल है फिर आपको? डाइट है कुछ नहीं, कम हो पाती है। सुन लो यहाँ पर, 3 डिब्बे खाए हैं पावर प्रो के और 1 इंच मसल साइज गेन हुआ है, और मैं दावा करता रहता हूँ कि 1 डिब्बे में 1 इंच हो जाएगा। भाई हो जाएगा, पर अगर आप डाइट फॉलो करोगे। भैया जो है स्वास्थ्य विभाग में है। जी 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 भैया, स्वास्थ्य विभाग में। और स्वास्थ्य विभाग का मतलब है कि भैया सेवा दे रहे हैं, आप सबकी स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। ये तो भैया कह रहे हैं भैया मेरे को शेड्यूल ही नहीं है, कभी रात की ड्यूटी, कभी दिन की ड्यूटी, कभी दोपहर की ड्यूटी, और कभी यहाँ भागो कभी वहाँ भागो, भागम भाग रहती है। दोस्तों मैंने भैया को भी समझा दिया, आपको भी समझा दूं। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, भैया मुझे एक चीज बताओ, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि हम इस पूरे संसार में सबसे मतलबी कौन है? नहीं आइडिया लग पा रहा। नहीं आइडिया लग पा रहा, तो मैं बताना चाहूंगा इस पूरी दुनिया में सबसे मतलबी अगर कोई चीज है तो वो हमारा शरीर है, सबसे मतलबी है ये। अब आप पूछोगे यार कैसे, मैं बताता हूँ आपको कैसे। आपको चाहे मतलब कुछ भी काम है, समझना मेरी बात को, मैं यहाँ पर भैया से पूछता हूँ, भैया मुझे एक चीज बताओ कि आपको चाहे कुछ भी काम है, अगर आप शेड्यूल करके अपने शरीर को खुराक पूरी दोगे तो ये तगड़ा होगा नहीं होगा? जी हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, और अगर आपको कुछ भी काम नहीं है पर फिर भी आप खुराक नहीं दे रहे हो तगड़े होने वाली, तो ये पतला रहेगा तगड़ा हो जाएगा? नहीं पतला ही रहेगा। पतला रहेगा, समझना मेरी बात को। हमारे शरीर को मतलब नहीं है आप स्वास्थ्य विभाग में हो या फिर आप आबकारी विभाग में हो या फिर आप बिजली विभाग में हो, हमारे शरीर को मतलब नहीं है। भैया इसको खुराक दोगे तो ये तगड़ा हो जाएगा, खुराक छीन लोगे तो पतला हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, इस चीज को समझो आप। भैया ने खुद बता दिया। तो भैया बिजी हो आप, कुछ हो, भाई हमारे शरीर को क्या मतलब यार, उसे तो उसका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट चाहिए। जैसे भैया का वेट है कितना जी? 66 किलो इनका वेट है। तो इनका जो है ऑलमोस्ट इन्हें जो है 130-140 ग्राम के करीब प्रोटीन चाहिए अगर मसल साइज गेन करना चाहते हैं अच्छा खासा। 2 ग्राम पर केजी, वैसे ये अलग अलग होती है कैलकुलेशन, पर एक आइडिया लगा लो रफली मोटा आइडिया कि आपका जितना वेट है उससे दुगना आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप 60 किलो के तो 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर मसल साइज गेन करना है आपको, तो इस चीज को समझे आप। और अगर आप 120 ग्राम प्रोटीन, मैं भैया से पूछ लेता हूँ, भैया अगर जैसे आपका 130 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए, आपने पावर प्रो प्रोटीन या फिर मैं करूँ आरसी कोई भी प्रोटीन ले लिया, ठीक है, आप प्रोटीन सप्लीमेंट है उसको खाने के बाद भी आप 100 ग्राम पूरा कर पा रहे हो तो बॉडी बनेगी? जी बनेगी। भाई आपको 130 ग्राम चाहिए, आप प्रोटीन सप्लीमेंट खाने के बाद भी 100 ग्राम ले पा रहे हो टोटल डाइट और सप्लीमेंट से, तो बनेगी? नहीं थोड़ी हल्की बनेगी, उतना नहीं आएगी, समझ रहे हैं ना आप। तो मतलब जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आपको प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना पड़ेगा, और प्रोटीन इंटेक कंप्लीट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट इंटेक भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। बहुत बार हम प्रोटीन इंटेक तो कंप्लीट कर लेते हैं पर कार्ब्स पर ध्यान नहीं होता है, तो हमारी बॉडी उस प्रोटीन को एज ए फ्यूल यूज कर लेती है, ना कि मसल बिल्डिंग के लिए यूज करती है। तो ये बेसिक सा फंडा है, इसको दिमाग में बिठा लो। आपके शरीर को मतलब नहीं है कि आप मोटे हो पतले हो, आप काम में बिजी हो या फ्री हो, आप खुराक दो तो मोटा हो जाएगा, खुराक छीन लो तो पतला हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो भैया समझ गए? जी जी। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रोटीन लेंगे तो आप डाइट पूरी करोगे? जी जी, कोशिश तो पूरी हमारी रहती है। हाँ, तो भैया से मेरा भी वादा है कि भैया का बाइसेप 16 इंच का करवा के रहूंगा मैं, आप भी ध्यान रखें। तो भैया अभी बता रहे हैं अभी कौन सा प्रोटीन चल रहा है आपका? अभी एटम वाला चला। भैया का एटम प्रोटीन चल रहा है। भैया कह रहे हैं भैया अभी थोड़ा बजट मेरा कम है तो एटम वे प्रोटीन ले गए हैं ये, और अब भैया कह रहे हैं कि भैया मुझे कोई ऐसा सप्लीमेंट दो जिससे मेरे शरीर में जान बढ़े, जो मेरी मसल बिल्डिंग में हेल्प कराए, मैं डाइट भी पूरी लूंगा प्रोटीन इंटेक भी कंप्लीट करूंगा। तो सबसे सस्ता सबसे अच्छा सप्लीमेंट है इस दुनिया का जो आपको जरूर यूज करना चाहिए, वो है क्रेटीन सप्लीमेंट। ये बॉडी में आपकी एटीपी सप्लाई करेगा जिससे आपकी लिफ्टिंग पावर बढ़ेगी, स्ट्रेंथ गेनिंग में हेल्प होगी, फिजिकल परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, मसल्स हाइड्रेट रहेंगी, और मसल बिल्डिंग में इनडायरेक्टली रोल प्ले करेगा। इनडायरेक्टली मतलब देखो मेन चीज तो प्रोटीन से मसल गेन होंगी, पर ये इनडायरेक्टली रोल प्ले करेगा क्योंकि जब आपकी लिफ्टिंग पावर बढ़ेगी
तो आपका जो है नेचुरल सी बात है भाई, मसल जो ब्रेकडाउन है वो अच्छा होगा। जब मसल ब्रेकडाउन अच्छा होगा तो मसल रिपेयर भी अच्छी होंगी प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने से। बेसिक सपंडा समझे आप, तो आप भी ऑर्डर करें क्रेटीन। और यहाँ पर समझें कि भैया को एक साल हो गया जुड़े हुए सप्लीमेंट्स वाला से, भैया ने इतने सारे प्रोटीन यहाँ पर यूज कर चुके हैं। भैया एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, चलो रिजल्ट का आपने बताया डाइट ऊपर नीचे एक्स वाई जेड, क्या कभी कोई साइड इफेक्ट हुआ? नहीं, कभी कोई नहीं। अगर कोई ये कहता है कि यार ये प्रोटीन खाने से साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो सही है गलत है? नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता। साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, हमने जितनी सारी लिया किसी पे नहीं हुआ, किसी पे नहीं हुआ, होगा भी नहीं आगे, क्योंकि ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है यार, इस चीज को आप समझें। और ओरिजिनल सप्लीमेंट्स कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे रोशन भाई? सप्लीमेंट्स विला पर। तो आप भी आइए सप्लीमेंट्स विला लखनऊ, और बाकी जहां जहां सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट्स हैं वहां पर विजिट करो। सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट्स हर शहर में ओपन हो रहे हैं, ये लिस्ट आप पूरी देखो कहाँ कहाँ सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट्स हैं। सुन रहे हैं आप, तो नजदीक अगर आउटलेट है तो आप आउटलेट पर ही जाइए, अगर नजदीक आपके आउटलेट नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगाइए, ऑल ओवर इंडिया कोरियर सर्विस अवेलेबल है। ये सारे आउटलेट्स हैं, आप देखिए आपके शहर के पास कौन सा आउटलेट है, कमेंट करके मुझे बताओ, और ऑर्डर करो क्रेटीन। और डाइट का ख्याल रखो, सप्लीमेंट्स विला तरफ से डाइट प्लान तो मिलता है जी, जी पूरी सपोर्ट मिलती है जी, पूरी आती है, पूरी सपोर्ट रहती है, डाइट प्लान आता है आपको भी आएगा। ऑर्डर करो, आपको वजन बढ़ाना है मास गेनर लो, वजन घटाना है बर्न प्रो लो, आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है बॉडी बनानी है, आप जो पावर प्रो प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो, टेस्टो पावर लो, सब लो, पर डाइट का ख्याल रखो ताकि आपको रिजल्ट आ सके और मेरा दिल खुश हो सके। तो अगली बार भैया से मुलाकात होगी जब भैया की बॉडी बन जाएगी, क्योंकि मेरा विजिट होगा और मैं किस दिन किस आउटलेट पर रहता हूँ इसके लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, आपको पता लगेगा। अगली बार मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए रोशन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू। तो आप भी जुड़े रहिए सप्लीमेंट्स विला से, नमस्कार।